सोहनपुर गांव में रामलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के पास के ही जंगल से रोज सूखी लकड़ियां काटता था और उन्हें बाजार में बेच कर कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद रामलाल की शादी हो गई। उसकी पत्नी बड़ी खर्चीली थी। सुनो जी, मुझे एक नई साड़ी और चूड़ियां चाहिए आज शाम को। वह कभी नए कपड़े खरीदने के लिए तो कभी किसी दूसरी चीजों के लिए रामलाल से बार बार पैसे मांगती थी। अगर पैसे न मिले तो रूठ जाती थी। रामलाल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी नाराजगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। इसलिए अब उतनी लकड़ियों को बेचकर घर चलाना मुश्किल हो गया था। रामलाल ने ठान लिया कि अब वो ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करके बेचेगा ताकि उसकी पत्नी को रोज रोज पैसों की कमी ना हो। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए आज रामलाल घने जंगल तक चला गया और बहुत सारी लकड़ियां चुनकर जमा की। सारी लकड़ियां जमा करके रामलाल ने बाजार में ले जाकर बेच दी। रामलाल को उन लकड़ियों का अच्छा दाम मिला। तो खुश होकर रामलाल ने सारे पैसे अपनी पत्नी को दे दिए। अब रोज रामलाल ऐसा ही करने लगा। देखते ही देखते उसके मन में लालच इतना बढ़ गया कि उसने धीरे धीरे पेड़ काटना भी शुरू कर दिया। पेड़ काटने से ज्यादा लकड़ियां हो जाती थी और उसे अच्छा दाम मिलने लगा। लकड़हारा अब हर हफ्ते एक पेड़ काटता और लकड़ियां बेचकर मिलने वाले पैसों से अपनी पत्नी के शौक पूरे करता। अब पैसे ज्यादा आ रहे थे तो घर भी अच्छे से चल रहा था। अब उसकी पत्नी को भी रामलाल से कोई शिकायत नहीं थी। धीरे धीरे रामलाल ने पैसों को जुए में लगाना शुरू कर दिया। जुआ खेलने की लत ऐसी लगी कि रामलाल एक मोटी रकम इसमें हार गया। पैसे मांगने के लिए लोग उसके घर तक आने लगे और उसका अपमान करने लगे। अब इस रकम को चुकाने के लिए रामलाल ने एक दो मोटे मोटे पेड़ काटने का फैसला लिया। हाँ, कल ही जंगल में जाकर एक दो मोटे मोटे पेड़ काट कर साहूकार के पैसे चुका दूंगा और फिर आगे से कभी जुआ नहीं खेलूंगा। अगले ही दिन रामलाल पेड़ काटने के इरादे से कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ जाने लगा। रामलाल जंगल के अंदर तक चला गया पर उसे एक भी मोटा मोटा पेड़ दिखाई नहीं दिया। थोड़ा आगे आने पर दो मोटे मोटे पेड़ पास पास में ही खड़े हुए दिखाई दिए। ऐसे मोटे मोटे पेड़ों को देखकर रामलाल बहुत खुश हुआ। रामलाल जैसे ही पेड़ काटने लगा वह पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। पेड़ को हिलता देखकर रामलाल डर गया और दंग रह गया। अरे, ये क्या हो रहा है? ये पेड़ क्यों हिल रहा है इस तरह से? एक बार फिर काटने की कोशिश करता हूँ। यदि पेड़ नहीं काटूंगा तो लोगों का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? इतना कहकर रामलाल ने फिर एक बार पेड़ काटने की कोशिश की। तभी पेड़ में से आवाज आई। मूर्ख, तू अपने लालच के चक्कर में मुझे काट रहा है। तू सारे पैसे जुए में लुटा देता है और फिर पैसे लौटाने के लिए पेड़ काटने आ गया। तुझे पता है कि पेड़ कितने कीमती होते हैं? हमारे अंदर भी जान बसती है और हम तुम इंसानों को जीने के लिए हवा, धूप में छाया और भूख को शांत करने के लिए फल देते हैं, लेकिन तू अपने स्वार्थ के लिए हमें ही काट रहा है। आज तू रुक, यही कुल्हाड़ी अब मैं तेरे ऊपर चलाऊंगा, फिर तुझे दर्द का एहसास होगा। पेड़ की बातें सुनकर रामलाल रोने लगा और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। वह पेड़ से माफी मांगते हुए बोला, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे सुधरने का एक मौका दो। अगर आप मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? वो अकेली पड़ जाएगी। आज से मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगा, यह प्रण लेता हूँ। यह सब सुनकर पेड़ को रामलाल के ऊपर दया आ गई। उसने रामलाल को छोड़ दिया। छोड़ते ही रामलाल भागकर अपने घर गया और
और अपनी पत्नी के सामने पैसों के लालच में न आने का संकल्प ले लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच में आकर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें ऑक्सीजन पेड़ से ही मिलती है, इन्हें काटकर हम खुद अपना ही जीवन संकट में डाल रहे हैं। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को ज्वाइन करें।